हमारे समक्ष सिविल सर्विसेज की सफल अभ्यर्थी कुमारी साक्षी गर्ग जी उपस्थित हैं, जिन्होंने वर्ष 2018 में 350वीं रैंक हासिल कर जनपद सोनभद्र का नाम पूरे भारत भर में रोशन किया। साक्षी दी, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी पूरी शिक्षा रॉबर्टसन से ही हुई है। मैंने अपना 10th सेंट जेवियर्स जूनियर हाई स्कूल से किया, इसके बाद 12th यहीं पे प्रकाश जूनियर इंटरमीडिएट कॉलेज है वहाँ से किया। ग्रेजुएशन में मैंने बीए किया हुआ है राजकीय महिला महाविद्यालय से, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलेटेड कॉलेज है। यूपीएससी की तैयारी का आपका मन कब बना? यूपीएससी की तैयारी का मन तो हमेशा से ही था, लेकिन जब मैंने 12th क्लियर किया तो मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था, तब मैं बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे यूपीएससी करना है। और 12th में साइंस साइड होने के बावजूद मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज की थी, फिर मैंने बीए किया था ग्रेजुएशन में, ताकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा टाइम निकाल सकूँ। आप क्यों यूपीएससी में आना चाहती थी? जी, एक तो जब प्रिपरेशन का मन था तब यूपीएससी के बारे में नहीं पता था कि क्या होता है, क्या करना होता है, बस एक अट्रैक्शन था कि हाँ यूपीएससी जैसा भी कुछ होता है, आईएएस बनना है। लेकिन जब जाना, इसके बारे में स्टडी किया, तब मुझे ये सर्विस सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन सर्विस में हम सोसाइटी से डायरेक्टली उतना कनेक्ट नहीं हो सकते जितना सिविल सर्विसेज से हो सकते हैं, या हाँ हमें डायरेक्ट सोसाइटी के लिए काम करने का मौका मिलता है। ये सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट था। आप यूपी के सबसे अंतिम छोर, चार राज्यों से घिरे हुए बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य इलाके सोनभद्र के मुख्यालय रावर्सन की रहने वाली हैं, जहां पर तमाम प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं हैं। आपने इस समस्या का निदान कैसे किया? जी, निश्चित तौर पे काफ़ी पिछड़ा इलाका है और हमारा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, लेकिन कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ रहा। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था, सीनियर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो भी दूर से रिलेटिव्स में या फिर कहीं भी किसी ने क्लियर किया हो तो उनका कांटेक्ट नंबर लेके उनसे पता करती थी कि क्या बुक पढ़नी है। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ती थी, प्रतियोगिता दर्पण में काफ़ी इंटरव्यूज आते थे टॉपर्स के, उनसे मुझे पता चलता था अच्छा ये बुक लिस्ट पढ़नी है। और फिर कुछ टीचर्स की बाद में हेल्प मिली, इस वजह से मुझे मेरी मंजिल आसान होती गई। आप द्वारा हिंदी माध्यम से आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की गई, यह हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए बड़े गौरव का विषय है। क्या हिंदी माध्यम से अन्य पिछड़े क्षेत्र के अभ्यर्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं? देखिए, जहां तक सवाल है कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो निश्चित तौर पे कर सकते हैं। इसका साक्षात प्रमाण मैं हूँ, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं। और रही बात मीडियम की, तो प्रॉब्लम तो होती है जब हम किसी चीज़ का ट्रेंड कम हो गया है या कोई आदिवासी क्षेत्र है वहाँ हमें सोर्सेज नहीं मिल पा रहे, तो निश्चित तौर पे और लोगों से हमें समस्या होती है उस चीज़ को पाने में। लेकिन जब एक मेरा मानना है कि जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है तो उस चीज़ को पाने की तड़प और ज़्यादा बढ़ जाती है। हिंदी मीडियम से डेफिनेटली रिजल्ट कम आ रहे हैं, लेकिन अगर सही दिशा में मेहनत की जाए, सही तरीके से मेहनत की जाए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसका विशेष ध्यान रखा जाए, तो सफलता मिल सकती है। हम अपने यूपीएससी के लिए कौन कौन सी बुक आपने पढ़ी और तैयारी के दौरान विशेष तौर पर क्या ध्यान रखना चाहिए? जहाँ तक बुक्स की बात है, तो यूपीएससी के लिए तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी के लिए महेश वनवाल है, विपिन चंद्रा है, 6-12 एनसीईआरटी है, इस तरह के काफी बुक्स हैं। शंकर आईएएस की बुक है इकोलॉजी के लिए, और इससे रिलेटेड मैंने डिस्कस भी किया हुआ है इससे पहले कि क्या बुक पढ़नी चाहिए। और
रही बात कि किस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो मेरा मानना है कि हमारी बुक लिस्ट काफी ज्यादा लिमिटेड होनी चाहिए, कि एक छोटे से बैग में आपकी सारी बुक आ जाए, इतनी लिमिटेड होनी चाहिए। और 10 बुक पढ़ने के बजाय एक बुक को अगर 10 बार पढ़ा जाए तो निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है। बार बार एक ही बुक की स्टडी की जाए, उसके नोट्स बनाए जाए, उसी का रिविजन किया जाए, मॉक टेस्ट ज्वाइन किया जाए, और क्या कमी रह गई पिछली परफॉर्मेंस में इसका एनालिसिस जरूर किया जाए। तो दिस इज इनफ फॉर यूपीएससी।